दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। तो पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मंदिर में खुदाई के दौरान मिला सोने के सिक्कों का खजाना, 800 साल पुराना है ये शिव मंदिर। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल हाल ही में खबर आई कि सोनभद्र की सोन पहाड़ी में करीब 3000 टन सोने का भंडार छिपा है और सरकार जल्द ही इस सोने को निकालने के लिए खुदाई शुरू करने वाली है और खबर आने के बाद इस सोने की कीमत को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि खबर को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने स्पष्ट किया है कि सोनभद्र की खदान में 3000 टन नहीं बल्कि केवल 160 किलो ही सोना है। सोनभद्र के बाद अब एक मंदिर में खुदाई के दौरान एक कलश के अंदर बड़ी संख्या में सोने के सिक्के की एक खेप मिली है। आपको बता दें कि मामला तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का है, जहां एक मंदिर में खुदाई के दौरान सोने के सिक्कों की बड़ी खेप मिली है और जिले के थिरुवनाईकवल इलाके में स्थित भगवान शिव के प्राचीन जम्बुकेश्वर मंदिर में किसी काम के लिए खुदाई चल रही थी, तभी मजदूरों की कुदाल जमीन के अंदर दबे तांबे के एक कलश से टकराई। इस कलश को जब बाहर निकाला गया तो उसमें 505 सोने के सिक्के भरे हुए थे, जिनका वजन 1716 किलोग्राम निकला और सिक्कों के ऊपर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिक्के करीब 1000 या 1200 साल पुराने हैं। और अब बताते हैं बड़ी खबर में कि ATM से नहीं निकलेंगे 2000 के नोट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही बड़ी बात। आपको बता दें कि 2000 रुपए को लेकर बड़ी खबर आई है, ATM से 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं और बड़े तादाद में लोगों का कहना है कि ATM में 2000 रुपए के नोट के बजाय 200 और 500 रुपए के नोटों में रकम निकल रहे हैं। हाल ही में इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को जानकारी दी थी कि 1 मार्च से उनके ATM से 2000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे। इंडियन बैंक के ATM से 2000 के नोट के ट्रे हटाने का फैसला किया गया है। बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट की ट्रे हटाकर 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और वहीं 2000 रुपए के नोट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। 2000 रुपए के नोट को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी बात ये कही है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आपको बता दें कि इंडियन बैंक की ही नहीं बल्कि SBI ने भी छोटे शहरों में मौजूद अपने ATM में से 2000 रुपए के नोट की ट्रे हटानी शुरू कर दी है। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही इस SBI की ओर से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, लेकिन ATM से कम संख्या में 2000 के नोट निकलने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना चाहती है। और 2000 रुपए के नोटों को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार की ओर से 2000 रुपए के नोटों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जहां तक मुझे पता है कि बैंकों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जाने विदेशियों को किराए की कोख ना मिलने से सैरोगेसी के धंधे पर कितने का पड़ेगा असर। जी हम बात करें कि भारत में तेजी बढ़ते सैरोगेसी कारोबार को लगाम कसने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है और इस नए बिल के अनुसार अब कोई भी महिला अपनी इच्छा से सैरोगेट माँ बन सकेगी। और इतना ही नहीं, निसंतान जोड़ों के अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी कुछ शर्तों के तहत सैरोगेट मदर बन सकेंगी, लेकिन नए बिल के अनुसार किसी भी विदेशी को भारत आकर सैरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं होगी। और इस नए बिल को मंजूरी मिलने से पिछले कुछ सालों से भारत में सैरोगेसी के बड़े कारोबार पर बड़ा झटका लगेगा। आइए जानते हैं कि विदेशियों की किराए की कोख पर रोक लगने से सैरोगेसी के कारोबार पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले से ही सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 में कई नए नियम कानून बनाए गए हैं और इसमें कमर्शियल सैरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ मदद करने के लिए सैरोगेसी का ऑप्शन खुला रह गया है और इसके बावजूद अभी भी 90% मामलों में महिलाएं सैरोगेसी के लिए अपनी कोख का किराया लेती हैं। और भारत में पिछले कुछ वर्षों में सैरोगेसी के तेजी से फलते फूलते कारोबार के प्रमुख स्रोत विदेशी ही थे और नवंबर में सैरोगेसी बिल आंकड़ों के अनुसार हर साल विदेशों से आए दंपति यहां 2000 बच्चों को जन्म देते हैं और विदेशियों से IVF सेंटरों को
मुंह मांगी कीमत मिलती है, इसलिए ऐसे सेंटर हर वर्ष करोड़ों के कारोबार में भारी मुनाफा कमा रहे थे। और सरोगेट मदर का चयन करने वालों में 50% अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड के नागरिक व अप्रवासी भारतीय सरोगेट हैं। अगली खबर में आपको बता दें कि दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5% रहने का अनुमान, शुक्रवार को सरकार जारी करेगी आंकड़े। जी हम बात करें कि आर्थिक मोर्चे पर हमले से ही सुस्ती झेल रही देश की अर्थव्यवस्था में फिलहाल सुधार होता नहीं दिख रहा है। सरकार दिसंबर में समाप्त तिमाही के जीडीपी आंकड़े शुक्रवार को जारी करेगी और एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5% पर स्थिर रहेगा और उनका कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। और अब बता दें, क्या नीतीश ने भाजपा को धोखे में रख पारित करवाया एनपीआर एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मजबूर भाजपा को अपने इशारे पर घूमने को मजबूर कर दिया। नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ना है तो नीतीश की बात माननी होगी। भाजपा ने कड़वा घूंट पीकर ये भी मंजूर कर लिया, एनआरसी के लिए लड़ने भिड़ने वाली भाजपा को सदन में इसके खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा। और बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां भाजपा के शासन में रहने के बाद भी एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और इस मामले में नीतीश और तेजस्वी एक हो गए और भाजपा दरकिनार हो गई। एनपीआर पर भी भाजपा को झुकना पड़ा। भाजपा नेताओं का आरोप है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखे में रख कर ये प्रस्ताव पारित करा है। बिहार चुनाव जीतने के लिए नीतीश अल्पसंख्यक वोटरों को बांधे रखना चाहते हैं। उन्हें डर था कि एनआरसी एनपीआर पर कहीं राजद ना बाजी मार ले, इसलिए इस किस्से को ही तमाम कर दिया। नीतीश को भाजपा की नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए वे भाजपा को अभी और झुकाएंगे। भाजपा के नेता अंदर नाराज तो हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली के चुनावी नतीजों ने भाजपा को बिहार में बेचारा बना दिया है और बिहार चुनाव में अगर भाजपा को जिंदा रहना है तो नीतीश का हुक्म मानना ही होगा। दूसरी तरफ राजद इस मामले को अपनी जीत बताकर भाजपा के गुस्से को भड़का रहा है ताकि वह नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले ले। वोट बैंक की राजनीति बिहार में अभी कई ट्विस्ट लाएगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में आपको बता दें कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है एनसीपी। जी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ है, उसी तरह से एनसीपी चाहती है कि तीनों की ही पार्टियां साल 2022 में होने जा रहा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी एक साथ मिलकर लड़े। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने आज अपना बयान देते हुए इस बात का खुलासा किया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार तीन विपरीत विचारधाराओं की पार्टियों के एक साथ आने से बनी है और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने पिछले साल नवंबर में गठबंधन करके सरकार बनाई और तीनों पार्टियों ने मिलकर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चुना था और तीनों पार्टियों के इस गठबंधन के फॉर्मूले को आगे होने जा रहे तमाम चुनाव में भी अपनाने की कवायद हो रही है। और अब अगली खबर में एक और बताते हैं कि चुनाव से पहले राजनीति तेज, एनपीआर एनआरसी के बाद अब जातीय जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा से पास। जी आपको बता दें, बिहार में जाति आधार पर जनगणना हो इस संबंध में आज बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में प्रस्ताव रखा। 2021 में जाति के आधार पर जनगणना हो ऐसी मांग को केंद्र सरकार के पास भेज दिया। इससे पहले मंगलवार को बिहार विधानसभा से बिहार में एनआरसी लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव सदन में पास कराया गया था और विधानसभा से अचानक एनआरसी का प्रस्ताव पास कराए जाने एनपीआर को 2010 के प्रावधानों पर होने का प्रस्ताव भेजा गया। अब बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक ही झटके में नीतीश ने उन मुद्दों पर तत्काल पर्दा डाल दिया जिन पर बिहार में कानून व्यवस्था का सवाल उठ रहा था और वहीं मुसलमानों और पिछड़ी जातियों में अफवाह और दुविधा की सुविधा बन रही थी। ऐसे में इन फैसलों ने विपक्ष के पास से मुद्दा छीन लिया और जाति आधार पर जनगणना का प्रस्ताव दोबारा पारित कराया गया ताकि चुनावी साल में किसी को कोई सवाल उठाने का मौका ना मिले और जातियों और संप्रदायों में नीतीश और जेडीयू को लेकर कोई भ्रम नहीं फैले, इसका इंतजाम कर लिया। नीतीश पर बीजेपी के पिछलग्गू बनने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाकर एक नया विवाद छेड़ दिया था। नीतीश ने इसी बहाने उसका भी जवाब दे दिया। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
अगली खबर में बता दें कि कोरोना वायरस से आ रही है सऊदी अरब ने मक्का मदीना में उमरा के लिए आने वाले यात्रियों पर लगाई रोक। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के कारण सऊदी अरब की सरकार ने धार्मिक यात्रा पर उमरा करने वाले मक्का मदीना आने वाले यात्रियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। बता दें कि दुनिया भर से लाखों मुसलमान धार्मिक यात्रा पर सऊदी अरब के मक्का और मदीना पहुंचते हैं। ऐसे में जब कई देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है तो सऊदी सरकार कुछ समय के लिए ये फैसला लिया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित देशों के नागरिकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दरअसल अधिकांश विदेशी तीर्थयात्री अक्सर मक्का में अपने धार्मिक कर्तव्यों के पूरा होने से पहले या बाद में मदीना में पैगंबर की मस्जिद का दौरा करते हैं। इस पर भी रोक लगा दी गई है। सऊदी सरकार का कहना है कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा इस्लामिक देशों से राष्ट्रीय पहचान पत्र का उपयोग करके सऊदी आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। और अब बता दें कि शिक्षकों की हड़ताल पर नीतीश कुमार बोले, आपका काम पढ़ाना लिखाना है, मांग पूरी करना संभव नहीं। जी आपको बता दें, बिहार में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल चल रही है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। इसको लेकर बिहार विधान परिषद में जब सवाल उठा तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, शिक्षकों का काम पढ़ाना लिखाना है, इनकी नौकरी हमने बचाई, वेतन 4,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया, आगे और भी बढ़ाएंगे, हमारी पूरी सहानुभूति शिक्षकों के साथ है, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई को रोकना गैर कानूनी है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा में वामपंथी नेताओं द्वारा शिक्षकों की हड़ताल पर उठाए सवाल पर नीतीश कुमार ने आगे कहा कि आप लोगों को भी हड़ताल पर होना चाहिए। शिक्षकों की हड़ताल पर जाने से मैट्रिक की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका की जाँच पर असर पड़ रहा है। जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं है उनको भी ये शिक्षक काम करने से रोक रहे हैं। इस मामले में कई जिलों में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बता दें कि हड़ताली शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग कर अड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांग को पूरा करना संभव नहीं है। बिहार के 4,00,000 शिक्षकों के लिए बिहार की 12 करोड़ की जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं में कटौती नहीं की जा सकती है। शिक्षकों के समान काम समान वेतन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि 7वां वेतन आयोग को हूबहू लागू किया जाए। और आप बता दें कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार टी शर्ट लॉन्च, तेज प्रताप ने तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में जुटे लालू प्रसाद के लाल और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव आज पटना के लालजी मार्केट पहुंच गए हैं। उन्होंने टी शर्ट बांट कर मुहिम की शुरुआत की। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने हाल ही में 500 टी शर्ट जिस पर स्लोगन तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लिखा है और उसका ऑर्डर दिया था। तेज प्रताप ने दुकान पहुंचकर लोगों को स्लोगन लिखे टी शर्ट को बांटा और तेजस्वी यादव को समर्थन देने की बात कही। तेज प्रताप ने इस स्लोगन के लिखे टी शर्ट को पूरे बिहार में बांटने की बात कही है। और आपको बता दें कि तेज प्रताप ने इस मौके पर बिना नाम लिए नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब मांग लिया। उन्होंने कहा कि 15 साल से कोई रोजगार की पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है, जिससे बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और एनआरसी और एनपीआर के प्रस्ताव विपक्ष की एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि सीए पर हम लोग जीतने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितनों को लगता है कि आपकी बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बननी चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली एक और खबर में आपको बता दें कि महागठबंधन में नीतीश की वापसी के सवाल पर तेजस्वी बोले, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे थे। जी हम बात करें कि महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार क्या हमसे पूछकर बीजेपी के साथ गए थे? जो कयास लगाए जा रहे हैं उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। दरअसल मंगलवार को तेजस्वी और नीतीश के बीच विधानसभा में बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। इसके बाद सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तेजस्वी ने इस मुलाकात पर कहा कि वे नेता विरोधी दल है, विधानसभा चलती है तो सब जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के भाषण में जो कमियां थी उसे गिनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसे देखने के सिलसिले में सीएम के पास गए थे। उन्होंने कहा कि हमने सदन में कहा था कि सीएम को आप पर तब तक भरोसा नहीं होगा जब आँख से नहीं देख लेते। उसी सिलसिले में गए थे सीएम के पास, वह प्रस्ताव सहमति से पास हुआ।
और अब बता दें, सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी भी चमकी, जानिए क्या हो गया है भाव। जी हम बात करें कि सोने की कीमतों में गुरुवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सोने में गुरुवार को 78 रुपए का उछाल आया है और इस उछाल से सोने का भाव राष्ट्रीय राजधानी में 43,513 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। और SGSE सिक्योरिटीज के अनुसार कोरोना वायरस के चीन के बाहर फैलने से सोने के सेफ हेवन के रूप में मजबूत होने के सकारात्मक वैश्विक रूप के कारण भाव में उछाल दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सोना बुधवार को 43,435 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पर अब बात कर लेते क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल का भाव। 3 दिन के बाद आज सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, दिल्ली में 5 महीने के निचले स्तर पर आया पेट्रोल। जी हम बात करें कि लगातार 3 दिनों तक यथावत बने रहने के बाद गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम घट गए और देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के भाव में 5 से 6 पैसे की कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार 27 फरवरी को पेट्रोल का भाव पिछले 5 महीनों के न्यूनतम स्तर पर आ गया है और कीमतों में ये गिरावट ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव में की वजह से आई है। और क्रूड ऑयल के भाव में चीन के बाहर कोरोना वायरस के नए मामले में तेजी के चलते लगातार 5वें दिन गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।